वेलकम बैक टू अचानक दोरा फैमिली। आज हम जा रहे हैं बहुत लंबी ट्रिप पे, बहुत मजा आने वाला है। आप सब लोग हमारे साथ बने रहें और हमारी जर्नी को देखते जाएं कि हम कितनी दूर तक जा रहे हैं। हम बहुत दूर तक जा रहे हैं और ये जो हमारी जर्नी है ना, बहुत दूर तक चलने वाली है। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारी जो भी वो वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको हमारे पूछना है कि हम वहाँ कैसे जा सकते हैं या कहाँ हम कैसे कर रहे हैं लॉकडाउन के टाइम में, आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ स्टे क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारी ट्रिप का, हमारी जर्नी का पहला टोल, फर्स्ट टोल। अभी टोल से स्टार्ट हो चुके हैं। ये तो अभी हमारे अंदर घर के लोकल वाला था, तो अभी हमारा पास चल गया। नेक्स्ट टाइम तो अब यहाँ से हमारे सारे टोल शुरू हो जाएंगे। टोल का मतलब है पैसा चुकाते चले जाओ। मगर ये भी नहीं है, मगर रोड भी थोड़ा अच्छी है, जब जाओ तो रोड भी अच्छी मिलती है, तो थोड़ा सा वो लगता है कि चलो। अब इस रोड पे देखा जाएगा कि रोड कैसी मिलेंगी। वैसे रोड तो अच्छा है, देखिए देखेंगे कैसा रहेगा। और वेलकम बैक हमारे चैनल के लिए। और चलते हैं आप भी हमारे साथ इस लंबी सफर में, इस लंबी जर्नी में जुड़े रहिए, हमारे साथ दीजिएगा। ये सफर बहुत लंबा होने वाला है। अब तक हमारी जो ट्रिप्स हुआ करती थी 3 दिन 4 दिन 5 दिन ज्यादा से ज्यादा, मगर ये सफर बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, ऑलमोस्ट 10 डेज हो जाएगा। चलते हैं। हेलो एवरीवन, और हमारे एक इस जर्नी में छोटा सा ब्रेक हुआ। अभी हमने चाय पिया और पूड़ी खाई जो हम घर से लेके आए थे, कप भी रखे। और अभी एक इसके बाद हमने एक ड्रोन शॉट लिया जो आप देख सकते हैं, जिसके बाद ड्रोन शॉट देखने को मिलेगा। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, सनसेट है, बहुत ही शानदार नजारा था। बादलों में कैसा छाई हुई है ऑरेंज से, बहुत ही शानदार व्यू लग रहा है। हाईवे पर रुके हुए हैं साइड से, अच्छा था। 3 घंटे हो गए निकले हुए, तो आज का पहला स्टॉप हमारा रहेगा बैंगलोर। फिर बैंगलोर के बाद आगे हम जाएंगे, कहां तक जाएंगे, कहां कहां जाएंगे, वो सब हमारे आने वाले दिनों में आपको पता चलता रहेगा। और इसके साथ हमारा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, और हमको यहाँ से सीधा चलते चले जाना है, मुसाफिर की तरह चलते चले जाना है। बस एक यात्री है इस जीवन के यात्रा में, चलते चले जाएंगे और आपका साथ चलता रहे। शानदार मौसम के साथ, व्यू के साथ आप ड्रोन शॉट का मजा लीजिए और चलिए चलते हैं। का सफर, शानदार रोड, मगर खूब सारे गड्ढों के साथ, बीच बीच में इतना गड्ढे आ जाते हैं पता नहीं लगता कहाँ से लेके जाए, कौन सा गड्ढा बचाए। इतने अभी गड्ढे थे, टोल रोड स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा तो अच्छा आएगा। अभी तो ऐसा ही चल रहा है, सामने देखिए क्या व्यू दिख रहा है।
सनसेट का असली मजा। संडे का इतना एक्साइटमेंट था कि सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी जाके जो ब्रेक किया है उसमें थोड़ा सा खाया, इतना एक्साइटमेंट। बहुत दिनों से लोग प्लान कर रहे थे एक लंबा सफर, बहुत ही लंबा, जहाँ हम लाइक काफी दिनों तक चलते रहेंगे, इधर से उधर जाते रहेंगे, नई नई चीजें देखते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। एक और टोल आ चुका है 90 रुपीस का, सारा लूट रहे हैं। खड़ा भी है कोई? ये सही है, स्टॉप। पास के वाले इधर जाओ, कैश वाले इधर जाओ। अरे भाई प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस, नो कैश। रोड बहुत जबरदस्त था, वेल्लोर क्रॉस हो चुका है, काफी आगे आगे वेल्लोर से। और ये छोटा सा ब्रेक, अभी एक सुसु ब्रेक लिया और उसके बाद अभी कॉफी पियेंगे और यहाँ से चलेंगे। और देखिए पीछे का व्यू देखो, अगर पता नहीं है अच्छा दिख नहीं रहा है, मगर अभी हमने जो देखा कि बहुत अच्छा एक पहाड़ ऊंचा सा पीछे बैकग्राउंड में। और अभी यहाँ से निकलेंगे, 8:15 हो रहा है, पहुँचते थोड़ा लेट हो जाएगा, मंजिल अभी बहुत पहली मंजिल, अभी तो बहुत सारी मंजिल आने वाली है, पहली मंजिल ही थोड़ा सा दूर है, अभी चलते हैं उसके बाद और आपको मिलते रहेंगे कॉफी पीते हैं उसके बाद। चलिए चलते हैं। याश्का का देखो अपना, कहाँ है याश्का? सामान के बीच में खो गई है याश्का। ये क्यों उड़े हुए भाई, अभी ठंड लग रही है। और अब हम आ चुके हैं नाइस रोड, यहाँ से वो हम बेंगलोर को बाईपास कर देंगे और चले जाएंगे टुमकुर रोड, जो बेंगलोर हमारा क्रॉस हो जाएगा। अभी नाइस रोड जैसे कि सब जानते हैं काफी फेमस रोड है, इधर टोल प्लाजा आ गया है, काफी महंगा रहता है इसका नाइस रोड का, और यहाँ शायद टू व्हीलर्स का भी लगता है। कहते हैं यहाँ पर काफी साफ सुथरा रहता है ये रोड, और यहाँ पर बीच में रुकने की परमिशन नहीं होती किसी भी व्हीकल को। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं बेंगलोर में और यहाँ से जाते होंगे उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता किस तरह से लैंडस्केप इसका थोड़ा सा हिली टाइप का, कभी ऊपर कभी नीचे, हिल स्टेशन टाइप का नहीं, मगर एक स्लोप्स वगैरह ऊपर नीचे अच्छा, चारों तरफ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस रोड पर। सबसे फेमस चीज़ इसकी यहाँ पर यही है, काफ़ी गेम भी है, अच्छा क्लीन भी है, उस पर जगह जगह लिखा भी है क्योंकि कोई रुकता भी नहीं है। तो 10 बज चुके हैं रात के, पहला हॉल्ट लेने का टाइम हो चुका है, धीरे धीरे कुछ ही देर में पहला हॉल्ट लेंगे, पहली छोटी सी मंजिल, आने वाली मंजिल और रहेंगी कल की आगे की। और यश का मजे आ रहे हैं, ये क्या था? मस्त पीछे बैठी हुई आराम से अपनी डॉल के साथ, मोबाइल के साथ, खाने पीने की चीजों के साथ, स्वीटी। हाय स्वीटी, नहीं नहीं आ रही है, उसको सोने दो, पूरा। और यहाँ फास्ट नहीं चला है, यहाँ पे इन्होंने पैसे लिए हैं 180। तो अब आ चुके हैं होटल में, चेक इन कर लिया है और आपके बज रहे हैं 11:30,
काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, नाइट स्टोर से निकलते निकलते कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पर टुमकुर रोड पे आते आते हमको एक होटल मिला, तो यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है। यहाँ का हमको रूम मिला यहाँ पर 1300 रुपीज़ का, थोड़ा सा ज़्यादा है रात के हिसाब से, उनको लगा कि भाई अब कहाँ जाएंगे, तो जो मांगना है जाएँ तो कर लिया। 1700 बोला था, मांगा था, अगर नेगोशिएट करते करते 1300 का आपने फाइनलाइज किया। अब हम लोग खाना खाएंगे जो हम घर से लेके आए हैं। घर से क्या क्या लेके आए हैं, थेपले लेके आए हैं, पूड़ी लेके आए हैं, सब्जी लेके आए हैं, और एक मीठा है और बटर मिल्क है। ठीक है, तो ये सब लोग हम लोग ये सब खाना खाएंगे, और आज के लिए बस इतना ही, आज का दिन यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। और कल हम जाएंगे बहुत ही शानदार जगह, आपने सुना होगा या देखा होगा, तो अगर नहीं सुना है नहीं देखा है तो आपको कल देखने को और सुनने को मिलेगा उसके बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, जय भारत।